यार ये कमाल वीडियोज हैं और ये गाने भी कमाल हैं, सिवाय एक को छोड़ करके, वो मेरी समझ में कभी भी नहीं आया यार, वो जो फैज़ वाला लव, इश्क वाला लव होता है जो सबसे ज़्यादा, वैसे वाला लव, मतलब हर चीज़ के लिए अगर आप ऐसी डेफिनेशन लेंगे तो मेरे हिसाब से तो पीकू फिल्म में गाना होना चाहिए था, गैस वाला, तेजाबियत वाला, ऐसे वाला कब्ज होता है जो सबसे ज़्यादा, वैसे वाला कब्ज नहीं हो सकता ना, तो ऐसी एक्सप्लेनेशन ना दें जिसमें आप रिटर्न फायर बर्दाश्त ना कर पाएं, बड़ा कुछ अजीब सा माहौल हो जाता है। आहा यार, ये जो हमसे क्या भूल हुई तुम ही हमें भूल गए वाली लाइन है ना, इस पे तहजीब हाफी ने क्या खूबसूरत शेर लिखा है, शुरू का भूल गया एंड का सुन लो, बेहतरीन के बस यही एक बात, बस यही एक झूठ सुनने को मैं उसे हर रोज फोन करता हूं, बस यही एक झूठ सुनने को मैं उसे हर रोज फोन करता हूं, सुनो यहां कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। आहा, इस लाइन के ऊपर कटाया जाता है सबको पता है। वाह जी वाह, गुड वीडियो सर, बेहतरीन, ये फिर से आ गया है दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, मुझे लगता है ये अंकल्स के अंदर जो है वो ट्रेंड निकल आया है, तो अच्छी बात ये है कि एक इसकी बड़ी खास बात थी वो मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाले कमेंट में मैंने नहीं बताई थी, आप बता देते हैं कि शम्मी कपूर साहब जब इस वीडियो की शूट के लिए आए थे इस सॉन्ग की, तो उनकी वाइफ की डेथ हुए तीसरा दिन था, और फिर वो आए थे और उन्होंने जो एक्सप्रेशन इस वीडियो में दिए थे वो बिल्कुल नेचुरल थे, और जो आंसू उनके टपक रहे थे वो भी असली थे, तो ये बड़े एक कमाल की चीज हुई थी इस गाने की वीडियो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।